एक्सरसाइज पे चलते हम लोग। प्रश्नावली है आपका 14.2 और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किस अस्पताल में एक विशेष वर्ग विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, ये एक विशेष साल में जो रोगी भर्ती होते हैं उनके आयु को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आयु दिया गया है और उन वैसे रोगियों की संख्या जैसे 5 से 15 साल के बीच के रोगी है 6, ठीक है, 10 15 से 25 साल के है ना, 15 से 25 वर्ष के रोगी जो है वो कितने हैं, 11 है। ठीक है, तो इस तरह से ये दर्शाया गया है। कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि बहुलक और माध्य के केंद्रीय प्रवृत्ति के दोनों माप है ना, तो इनमें तुलना करना है और इनकी व्याख्या करनी है। तो चलिए वो बाद में किया जाएगा, सबसे पहले बहुलक और माध्य इसका निकालते हैं। तो इसके लिए इस चार्ट को सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, आसान रहेगा इसे बनाने से। चलिए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए तो कोई बॉक्स की जरूरत नहीं है, दो ही बॉक्स से आपका हो जाना है। लेकिन आगे चल के हम लोग इसमें माध्य भी निकालेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग बॉक्सेस को बढ़ा देते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए और जरूरी होगा बॉक्स तो हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले इतना ही रहने देते हैं, काफी है इतना। ठीक है, दोनों एक ही बार में बना लेंगे, दोनों को अलग अलग क्यों करेंगे, दो अलग अलग चार्ट बनने की जरूरत ही नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। चलिए, आयु आयु दिया है वर्षों में, आयु दिया है आपका वर्षों में, और यहाँ पे रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। अच्छा, रोगियों की संख्या यानी कि ये क्या दिया है, एफ आई दिया है, और ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल सी आई, समझ रहे ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, 45 से 55, और आपका 55 से दिया है फिर 65, इन्हें दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इनकी बारंबारताएं दी हुई है कितनी कितनी, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, समझे। तो सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है, तो यहाँ आपको बहुलक वर्ग के बारे में समझना होगा। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो इस वर्ग की है, 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है, दिख रही है ना, 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक है, 23 है, तो यही ना आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 35 से 45 है, अतः 35 से 45 बहुलक वर्ग होगा, समझ गए। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे चार्ट बढ़ाना होगा ना, तो जगह कम पड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए यह आपका बहुलक वर्ग पता चल गया यहाँ पे। अच्छा, तो बहुलक वर्ग पता चल गया, तो अभी सभी मानों को लिखना होगा ना, L, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 35, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे F1। अच्छा, F1 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 23, ठीक है, ये आपका F1 हो गया। अच्छा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका नीचे वाला F2 हो जाएगा, यानी यहाँ से F0 का मान हो गया 21 और F2 का मान हो गया 14, ठीक है। अच्छा, H बचा, तो H वर्ग माप, तो हर एक में 10 ही ना देख रहे हैं, 10 ही का अंतर है। चलिए, तो यानी कि H बराबर हो जाएगा 10, क्लियर है। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा के बहुलक निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ये ना होगा। चलिए इसको रख के सॉल्व करते हैं, तो L का मान 35 प्लस F1 का मान है आपके पास 23, F0 है आपके पास 21 बटा में 2F1 यानी 2 गुना 23 माइनस F0 यानी कि 21, ठीक है,
और माइनस एफ टू यानी कि 14 और गुना में एच यानी कि 10। 35 प्लस, देखिए यहाँ इसमें घटा देते हैं तो 23 में से 21 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बटा में 23 दुना कितना हो जाएगा 46, ठीक है, और माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 35 होगा क्या, 4 1 5 2 1 3 और गुना में आपका 10, क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35 प्लस 10 दुना कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना होगा 11, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पे, तो ये 35 प्लस में इसको इससे भाग करेंगे तो आएगा लगभग में 1.8181, यानी कि इसको 1.8 ही ले लेते हैं, 35 प्लस 1.8 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36.8 वर्ष, वर्ष में ही ना दिया था तो 36.8 वर्ष क्या हो जाएगा आपका बहुलक निकल गया। अभी माध निकालना है तो माध निकालने के लिए चलिए यहाँ चार्ट के पास आ गए हम लोग। यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसी चार्ट में पूरा कर देंगे, ठीक है, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा तो इसके इसके बीच का मान ना ऐसे जोड़ के दो से भी भाग कर सकते हैं, तो बीच में दो से भाग करेगा तो 10 ही ना आएगा, या ऐसे भी दिख रहा है कि बीच में 10 है, या इनके बीच में क्या है आपका 20 है, फिर अगला 30, फिर अगला 40, फिर 50, फिर आपका हो जाएगा 60, ठीक है, वर्ग चिन्ह हो गया। अब देखिए ये वर्ग चिन्ह थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है तो आप पहले क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे यहाँ पे किसको निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे डी आई, तो डी आई के लिए क्या होता है एक्स आई माइनस ए, तो ए कुछ मानना होगा ना तो इसके मध्य मान को मान लेंगे, तो मध्य में तो दो दो आ जाएगा 30 और 40, तो इसमें से ऊपर वाला मान लेंगे ए, मान लेंगे 30, ठीक है, ए को मान लिए 30, ठीक है। चलिए ये काल्पित माध्य है ना, चलिए तो ये 30 हो गया काल्पित माध्य। अब क्या करेंगे तो एक्स आई में से ए को घटाना है, यानी कि 10 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है, 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 10, फिर यहाँ घटाएंगे तो 0, अच्छा फिर आपका क्या हो जाएगा तो आप 40 में से 30 को घटाएंगे, है ना, एक्स आई माइनस ए, यानी कि सब में से 30-30 घटाना, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 और 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा बॉक्सेस और बढ़ाना होगा क्योंकि हम लोग अभी निकालेंगे इसमें क्या क्या, तो इसमें निकालेंगे यू आई और फिर आप किसको निकालेंगे एफ आई यू आई को, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा अंक दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं यू आई, ठीक है, यू आई क्या होता है तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बटा में एच, आपको पता ही है यानी एच कितना है, तो एच तो आपको पहले ही निकाले हुए थे 10 है, वर्गमाप आपका 10 है तो सब में 10 10 से भाग कर देंगे क्योंकि एक्स आई माइनस ए में ही ना एच से भाग करना है, यानी 10 से भाग करना है, तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3, अब क्या निकालेंगे, ये 3 है आपका, अब क्या निकालेंगे तो निकालेंगे एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई क्या होगा तो एफ आई ए रहे और यू आई ए रहा, गुणा करेंगे 6 दुना -12, ठीक है, 11 में माइनस 1 से तो माइनस का 11 ही होगा, फिर 21 में यहाँ 0 से तो आपका 0 ही हो जाएगा, फिर 23 में 1 से तो 23 ही हो जाएगा, फिर 14 में 2 से तो 14 दुना 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 में 3 से तो 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल लिखेंगे, कुल है ना, जोड़ना होगा यहाँ पे कुल, कुल तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है, ऊपर ही आपका दिया होगा रोगियों की संख्या टोटल कितनी है, नहीं दिया है तो इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको, चलिए तो जोड़ लीजिए, तो ये आपका जोड़ने पे आ जाएगा 80, आप जोड़ के देख सकते हैं, यानी यही होगा सिग्मा एफ आई, है ना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, तो माइनस वाले को अलग जोड़ दिए तो ये -23 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दिए तो प्लस का 66, यानी कि घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 43, प्लस का 43 आ जाएगा आपका, है ना। चलिए अब इसका माध्य निकाल लेते हैं, तो माध्य तो हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, कम जगह में भी हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में एच, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका कितना, तो ए है 30 प्लस इसका मान है 43, अच्छा इसका मान है आपका कितना 80 और गुना में एच है आपका 10, इससे इसको काट देते हैं तो यहाँ से 30 प्लस 43 में 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा
करके देख लीजिएगा 5.375। अच्छा इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 35.375, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.37 वर्ष। दो ही अंक लेते हैं पॉइंट के बाद। चलिए समझ गए, तो यहाँ से माध्य भी निकल गया और आपका बहुलक भी निकल गया, दोनों चीज हो गया। ये आपका माध्य हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नीचे बहुलक निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका माध्य और बहुलक प्राप्त हो गया। अब आपके क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अस्पताल 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 में भर्ती अधिकतम अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु आयु के हैं। ये लगभग में हो रहा है, ठीक है, 36.8 वर्ष आयु के हैं। अच्छा और क्या हो सकता है, यानी कि ये बहुलक जो प्राप्त हुआ ना, इतना अधिकतम हो सकता है प्रत्येक रोगी का उम्र अधिकतम, मतलब कि जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका अधिक, जो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उसमें से अधिक आयु के कितने हैं, 36.8 वर्ष के हैं लगभग में, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, तो आपका माध्य निकला है, यानी कि उनका औसत निकाले हैं आप, तो यहाँ जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.35 कितना आया था आपका, 35.37 वर्ष है। क्लियर हो गया, यानी कि देखिए बहुलक निकला, यानी कि वो सबसे अधिक बारंबारता है उसकी, यानी कि वही हो गया कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं, तभी ना इनका बहुलक इतना रहा है। और जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु जो है 35.37 वर्ष है। क्लियर हो गया, चलिए तो हम लोग इसकी व्याख्या भी कर दिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301 77 8899 पर ओनली व्हाट्सएप एसएमएस के जरिए, कॉल नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लिंक प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस करके, कॉल कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है।